Hey guys, welcome back to my channel. तो एक बहुत ट्रेंड में आ गया है कोरियन स्टिक मास्क, जो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, मगर वीडियो देखने के बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि वो वर्क नहीं करता है। एंड पर्सनली मैंने भी वो ग्रीन स्टिक ट्राई करी है, मगर वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। सिंपली एक फेक वीडियो कुछ वायरल हो रही है, जिसको देखकर लोग उस ग्रीन स्टिक को बाय कर रहे हैं, और डेफिनेटली उस ग्रीन स्टिक को बाय मत करना। तो इसीलिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप ग्रीन स्टिक घर में बना सकते हो जो रियली वर्क करेगी। जो मार्केट की ग्रीन स्टिक है वो तो बिल्कुल वर्क नहीं करती, वो एक फेक चीज है, मगर इसीलिए आज मैं आपको ग्रीन स्टिक फेस मास्क बताने वाला हूँ जो रियली वर्क करती है। वो आपके काफी हद तक फेस की डलनेस को, डार्क स्पॉट्स को, आपके नोज के, चिन के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगी। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो फटाफट वीडियो देख लेते हैं कि आखिर इसको बनाना कैसे है। तो इस ग्रीन स्टिक मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोलिन क्ले। कोलिन क्ले आपको ऑनलाइन स्टोर मार्केट में कभी मिल जाएगी। सबसे चीप एंड बेस्ट क्ले पाउडर है, सिंपली आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। मगर अगर इस टाइम आपके पास कोलिन क्ले पाउडर नहीं है तो आपको यूज़ करना है वाइट फ्लार। वाइट फ्लार मतलब मैदा। मगर ये क्ले आप ले लो, डेफिनेटली ये बहुत बेस्ट क्ले है आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। एक चीप एंड बेस्ट क्ले पाउडर है, सालों तक चलेगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मगर अगर अभी आपके पास नहीं तो आपको यूज़ करना है वाइट फ्लार। मैंने एक चम्मच कोलिन ले लिया, आपको लेना है एक चम्मच वाइट फ्लार। उसमें ऐड करना है सोडा, हाफ टी स्पून से भी कम आपको उसमें ऐड करना है सोडा। सोडा को ऐड कर लीजिए एंड अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें जो लास्ट चीज़ ऐड करनी है वो है हनी। आप कोई भी ब्रांड का हनी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हनी नहीं, सिंपली एक चम्मच हनी आपको इसमें ऐड कर देना है। एक चम्मच हनी ऐड करने के बाद इसमें लास्ट जो है वो इसमें ऐड करना है रोज वाटर, ताकि एक थिक साइज का पेस्ट बन जाए। एक चम्मच रोज वाटर ऐड कर दीजिए एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जब तक एक थिक साइज का पेस्ट ना बन जाए। एंड मार्केट ये ग्रीन स्टिक तो काम नहीं करी, मगर ये होममेड ग्रीन स्टिक डेफिनेटली काम करेगी आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड को रिमूव करने के लिए, आपके फेस के एक्ने, स्कार्स, डलनेस को रिमूव करने के लिए। तो डेफिनेटली ये आपको ग्रीन मास्क ट्राई करना ही करना है। तो आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, अपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको फटाफट अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड में इंस्टेंट रिजल्ट देखोगे कि नोज एंड चिन एरिया वो काफी स्मूथ हो चुका है एंड आप इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो डेफिनेटली ट्राई दिस मास्क, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखेगा आपके अपने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एंड अगर आप इसे कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपने डार्क स्पॉट पे, फेस की डलनेस पे काफी चीजों में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली मार्केट वाले ग्रीन स्टिक पे ना जाके इस वीडियो में मैंने जो आपको ग्रीन स्टिक मास्क बताया, डेफिनेटली उस मास्क को डेफिनेटली ट्राई करना एंड डेफिनेटली 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली ट्राई दिस ग्रीन मास्क जो मैंने बताया है। एंड अगर आप और कोई वीडियो पे चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।